नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। एक फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। याद कीजिए, कांग्रेस की लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा होता है, समाजवादी पार्टी की लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा होता है, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी की लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा होता है, और साउथ में डीएमके की लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा होता है। लेकिन बीजेपी ने लाइन वाले इस सिद्धांत का पूरा नैरेटिव बदल के रख दिया है। जो लाइन में दिखते भी नहीं थे, जिनके नाम की कहीं कोई चर्चा भी नहीं थी, तीन राज्यों में वो मुख्यमंत्री बनकर लाइन में सबसे आगे आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए केवल तीन बड़े सरप्राइज नहीं है, बल्कि इन तीन नामों में 2024 की सत्ता का एक बड़ा समीकरण छुपा है। और अगले एक घंटे में मैं आपको यह पूरा का पूरा समीकरण समझाऊंगा और इस पर चर्चा भी करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी से लेकर बिहार तक, ओडिशा से लेकर झारखंड तक और पूरी की पूरी हिंदी पट्टी में एक नया समीकरण गढ़ दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, सीएम का फेस, 2024 की बड़ी रेस, आज का आर पार इसी पर। व्यूअर्स, सवाल सिर्फ बंपर जीत वाले राज्यों में सीएम के चेहरे का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक दूरदर्शिता का है जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में अब तक की सबसे बड़ी जीत के लिए जी जान लगा चुकी है। ये चेहरे छत्तीसगढ़ में विष्णु साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, ये चेहरे भले ही आपको नए लग रहे हों, लेकिन इन चेहरों में वो करिश्मा है जो 2024 में सिर्फ अपने राज्यों में नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी सियासी समीकरण को साध सकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का आभार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सारे वरिष्ठों का आशीर्वाद है। जिस प्रकार से विकास का काम छूटा है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ, साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अब जरा ये तीन तस्वीरें देखिए। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह विष्णु साय के प्रस्तावक बने, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम की घोषणा की, तो राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया। ये पार्टी में अनुशासन की अनोखी मिसाल है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 5 साल तक चली लड़ाई से लेकर हिमाचल में सीएम सुक्खू के चेहरे पर मुहर लगने तक आपसी कलेश खुलकर दिखे थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी का ये दांव 2024 में हैट्रिक लगाने में मददगार साबित होगा। आज इसी पर होगी जोरदार बहस, सीएम का फेस, 2024 की रेस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, आइए मैजिक वॉल पे चलते हैं। 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति का विश्लेषण, सीएम का फेस और 2024 के लिए बड़ा संदेश। मोहन यादव मध्य प्रदेश ओबीसी वर्ग से आते हैं, एमपी में ओबीसी की आबादी 52% से ज्यादा है, यूपी के दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर यादव वोट बैंक निर्णायक है, बिहार में यादवों की आबादी करीब 15% है, तो यूपी से लेकर बिहार तक साधने की कोशिश है एमपी के जरिए। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, नए नवेले, आदिवासी समुदाय से आते हैं,
छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी 34% है, सोचिए कितना बड़ा असर होगा। झारखंड में लोकसभा सीटें 5 है जो कि आदिवासियों के लिए रिजर्व है। ओडिशा में 23% आदिवासी आबादी है, इसका इंपैक्ट ओडिशा तक होगा। बढ़ता हूं मैं आगे, भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, पूरी हिंदी पट्टी में इकलौते ब्राह्मण सीएम हैं और अरसे बाद किसी पार्टी ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री उतारा है। हिंदी पट्टी के ब्राह्मणों में संदेश देने का एक बड़ा प्रयास है, पहली बार के विधायक, इसलिए कार्यकर्ताओं में एक बड़ा संदेश दिया गया है। सेकेंडली संगठन से जुड़े चेहरे हैं और बड़ा मौका है, बीजेपी के संगठन के चेहरा माना जाते थे राजस्थान के अंदर और संगठन के चेहरा है, और यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा मैसेज है कि अगर आप पार्टी के लिए अच्छे से काम करोगे तो मुख्यमंत्री पद भी आपके लिए दूर नहीं है। यानी बीजेपी ने यह अब ठाना है कि बड़ा नेता हम बना देंगे, आप बस पार्टी के लिए काम करिए। बढ़ता हूं मैं आगे, बीजेपी ने अनुशासन की शानदार मिसाल दी। मैं राजस्थान से शुरुआत करता हूं, आप देखिए 5 साल तक गहलोत बनाम पायलट की सिर्फ फटावल चलता रहा, क्या क्या कहा गया सचिन पायलट को अशोक गहलोत द्वारा और क्या क्या हुआ ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और जब से मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, तब से जब मैंडेट मिला कांग्रेस को, तब से यह लड़ाई चल रही है, टायर जले थे जब पहली बार मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ था। वसुंधरा बनी भजनलाल शर्मा की प्रस्तावक, वसुंधरा राजे सिंधिया ने बड़ा मन दिखाते हुए प्रस्तावक बनके भजनलाल शर्मा का नाम आगे किया और भजनलाल शर्मा ने मोदी और शाह को क्रेडिट दिया। बढ़ता हूं मैं आगे, छत्तीसगढ़ में बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव, 5 साल तक इनकी जंग चली, आखिर में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और टीएस सिंहदेव आरोप लगाते हैं कि मुझे बघेल ने चुनाव हरवा दिया। इस बार की विधानसभा चुनाव में सिर्फ अटौवल इतना था कि कांग्रेस की सरकार चली गई। और दूसरी तरफ रमन सिंह बने विष्णुदेव साय के प्रस्तावक, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है और विष्णुदेव साय ने भी मोदी शाह और नड्डा का नाम लिया। बढ़ता हूं मैं आगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कलेश के चलते सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी, दिग्विजय सिंह ने अपमानित किया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, दिग्विजय सिंह इकलौते व्यक्ति जिम्मेदार थे कांग्रेस की सरकार जाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव के प्रस्तावक बने, भरे मन से बने, कैसे मन से बने, लेकिन प्रस्तावक बने। बढ़ता हूं मैं आगे, टिकट बंटवारे में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का गुट, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात सार्वजनिक रूप से सामने आई। बढ़ता हूं मैं आगे, बीजेपी राज के अंदर आम बने खास, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना, यह बीजेपी का राज है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जमीनी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार सिर्फ नहीं बनाया, मुख्यमंत्री बना दिया, यह अपने आप में बड़ी बात है। और अब बड़ा सवाल, विपक्ष परिवारवाद और कमजोर परफॉर्मेंस वाले चेहरों में उलझा है और बीजेपी टैलेंट को मौका दे रही है। आज इसी बड़े सवाल के साथ मेरे साथ कई मेहमान हैं, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है मैजिक वॉल पर। तहसीन पूनावाला है मेरे साथ, सुनील यादव है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान है प्रवक्ता AIIMIM के, और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे, तहसीन पूनावाला, क्या कुछ अब बचा है बचाने को, क्योंकि हिंदी पट्टी में कांग्रेस साफ ही हो गई और आज बीजेपी ने दिखा दिया कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट से किस तरह से किया जाता है, अब जाति का कार्ड निकालेगी कांग्रेस पार्टी। अमित जी आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं जैसे सवाल का उत्तर देना शुरू हो गया, आपने एक लास्ट लाइन ऐड करी कि जाति कार्ड निकालेगी कांग्रेस, लेकिन मैं आपका पूरा विश्लेषण सुन रहा था। और आप जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज किया, किसी को मध्य प्रदेश में ओबीसी नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो यहाँ पर ब्राह्मण नेता को बनाया, तो वहाँ पर ट्राइबल नेता को बनाया, ये आपके हिसाब से जाति कार्ड क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, ये तो नहीं चलेगा ना मेरे भाई। डबल स्टैंडर्ड जो है वो सबके लिए एक है। और मैं भाजपा को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ, तीनों राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई और अच्छे मुख्यमंत्री दिए, और शुभकामनाएं देता हूँ कि मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए देश के लिए काम करे। लेकिन अमित जी, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं, भाजपा वो क्या अलग कर रही जो कांग्रेस नहीं करती थी अपने ग्लोरी डेज में? ये एक मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपका पूरा विश्लेषण जब मैं सुना, भाजपा वही कर रही थी कांग्रेस करती थी, हाईकमान तय करते मुख्यमंत्री कौन बनते और कास्ट कॉम्बिनेशन पे मुख्यमंत्री बनते। और आज भी कांग्रेस में भी कई ऐसे मुख्यमंत्री जो कास्ट कॉम्बिनेशन पे बने,
हाईकमान तय करता है, यही आरोप भाजपा कांग्रेस पे लगाती थी। आज भाजपा वही कर रही है जो कांग्रेस कर रही, तो पार्टी में डिफरेंस कैसा है? अगर आप कृपया करते वसुंधरा जी का वो क्लिप का क्लोजअप दिखाएगी जब राजनाथ सिंह जी उनको चिट्ठी देते और वो आश्चर्यचकित हो जाती है मुख्यमंत्री जी का नाम पढ़कर, या कम से कम ऐसे क्लिप में दिखता है, शायद कुछ और हो, तो फिर समझ में आएगा कि उनको भी पता नहीं हाईकमांड का आदेश है, उसको पालना पड़ा। यह बात मैं पूरी तरह से मानता हूं कि भाजपा एक डिसिप्लिन पार्टी है इस वक्त, शायद इसलिए क्योंकि बहुत पावरफुल पार्टी है, केंद्र में उनके पास सरकार है। लेकिन ये आप भी जानते हैं अमित जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी तय करते थे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री को कहां से भी फायर कर देते थे, जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री को मोदी जी ने फायर कर दिया, तो वो ठीक है, वो एक अलग दौर था, ये एक अलग दौर है। लेकिन भाजपा वही कर रही है जो कांग्रेस करती थी, कुछ अलग नहीं है, पार्टी में डिफरेंस नहीं है, ये बात है जी। मित्र डॉक्टर अजय आलोक है, वो कह रहे हैं अनुशासन नहीं है, ये बीजेपी की ताकत है, और बीजेपी की ताकत है तो ताकत के आगे सब झुक रहे हैं, ये कहने का प्रयास है। मैं आज तमाम कांग्रेस के नेताओं का विश्लेषण देख रहा हूं और विश्लेषकों का भी विश्लेषण देख रहा हूं, सब एक ही लाइन में कह रहे हैं कि अनुशासन तो है, वो दबे शब्दों में मानते हैं कि अनुशासन तो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन ये जो अनुशासन है ये ताकत का अनुशासन है। लेकिन शायद अजय आलोक आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं। अगर पार्टी ताकतवर होती है तभी अनुशासन आता है, और पार्टी ताकतवर अपने कैडर से होती है, अपनी विचारधारा से होती है। अगर रोज दिन विचारधारा बदलते रहें, कभी जनेउधारी हिंदू बन जाएं, कभी मुसलमानों की पार्टी बन जाएं, तो पार्टी का कैडर भी कंफ्यूज हो जाता है, तो तब ना विचारधारा बसती है ना ही विचार बसते हैं, और किस धारा में जाना है यह भी नहीं पता होता है। ये तहसीन भाई को सेल्फ एनालिसिस एक दिन कांग्रेस पार्टी के बारे में करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से चलती है, चाहे हम दो सीट पे थे 1984 में, चाहे अटल जी के समय मिलीजुली सरकार बनाते थे, चाहे मोदी जी के समय से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, विचारधारा नहीं छोड़ी। उसी का प्रभाव है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कोई भी नेता गया तो वो बाहर जाके कुछ नहीं कर सका, या तो उसका राजनीतिक भविष्य चौपट हो गया, या वापस वो भारतीय जनता पार्टी में लौट के आया। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का ये हाल है कि बहुत सारे छत्र बाहर निकल के गए, वो अपना रीजनल पार्टी बना रहे हैं, आज सरकार चला रहे हैं, इसी क्योंकि नीति अन्य दोनों स्पष्ट नहीं है, रोड मैप है ही नहीं। आज की तारीख में ये तीनों राज्यों में जो हमने नेतृत्व दिया है, ये किसी हाईकमान कल्चर से नहीं है तहसीन भाई, जो आप कह रहे थे कि हाईकमान कल्चर, हाईकमान ने कह दिया ऐसे हो गया वैसे हो गया, बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। हाईकमान तो आपका एक हाईकमान चाहता था, दीदी चाहती थी सचिन पायलट बने, भैया चाहते थे अशोक गहलोत बने, मम्मा ने वीटो कर दिया, अशोक गहलोत बन गए। यही हालत छत्तीसगढ़ में हुआ, दोनों जगह सर फुटावल हुआ। यहाँ 6 दिन में ऊपर से लेके नीचे तक मंथन हुआ, हर नाम पे मंथन हुआ। एक भविष्य के 20 साल की लीडरशिप के लिए देखी गई कि कौन सी नई पौध होगी, और उसके हिसाब से मंथन होने के बाद विधायकों की राय ली गई। जब विधायकों की राय ली गई, उसके बाद ये इंश्योर किया गया कि विधायक दल में जब नेता का नाम प्रपोज किया जाएगा तो वो सारे के सारे या तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रपोज करेंगे और तब बाकी विधायक सेकंड करेंगे। तो ये नरेंद्र मोदी का इम्पोज्ड सीएम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा प्रपोज्ड सीएम है, जिसपे प्रधानमंत्री की भी मोहर लगी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब आम कार्यकर्ता है। इससे आप ये सोचिए कि हमारा 11-12 करोड़ का अपना कैडर है जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, आज वो 12 करोड़ लोग के दिमाग में एक चीज तो गई है ना कि एक साधारण सा व्यक्ति जी 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 में पीएम जी, सीएम बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव। आज यादव समुदाय की बात कर रहे हैं तो पूरे यादव समुदाय को, जब भी यादव समुदाय का अगर चेहरा कोई देखता था इस भारत में तो आता था, अच्छा मुलायम सिंह यादव, अच्छा पुत्र अखिलेश यादव, अच्छा अच्छा लालू यादव पुत्र तेजस्वी यादव। आज मोहन यादव जब जाएंगे जनता के बीच में कहेंगे भाइयों बहनों प्रणाम, मैं हूं मोहन यादव, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। अगर आप में से कोई भी एक व्यक्ति या इसी पैनल पर बैठा हुआ एक व्यक्ति उनके पिताजी का नाम बता दीजिए जरा। ये अंतर की काट कहां से लाएंगे आप लोग? जातियों पे हम नहीं खेल रहे हैं, हम यहां पे सर्व समाज की बात कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला, सबको अधिकार है, कांग्रेस के पास भी 2018 में एक बड़ी चॉइस थी नई लीडरशिप को आगे लेके आने की, लेकिन कांग्रेस वो कर नहीं पाई। और आप सोचिए, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऑर्डिनेंस फाड़ दिया हो जिन राहुल गांधी ने, आप क्या संभावना है और उम्मीद तलाशेंगे? क्या आपको लगता नहीं है कांग्रेस इज डिपेंडेंट ऑन कन्हैया कुमार एंड बीजेपी इज डिपेंडेंट ऑन नरेंद्र मोदी? देर इज अ बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कांग्रेस कन्हैया कुमार को अपना बड़ा नेता मान रही है,
कैसे लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी यूनिवर्सिटी टाइप इलेक्शन लड़ रही है ऐसा लग रहा है, विश्लेषकों का यह मानना है। अमित जी, दो चीज मैं कहना चाहता हूं। एक कि कांग्रेस में ग्राउंड लेवल नेता नहीं है, नेता नहीं है। कांग्रेस के जो नेता है वे प्रगति करते ऊपर पद पे नहीं जाते, इसलिए पूरी तरह से गलत बात है। अब हाल में देख लीजिए, भूपेश बघेल जी, उनको तो राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, वो तो उनकी उम्र लगभग इन्हीं तीन मुख्यमंत्रियों की जितनी है, उनको भी तो फर्स्ट जनरेशन लीडर है। अब हमारे खड़गे जी को देख लीजिए, गरीब परिवार से आते थे, आज ये कांग्रेस के अध्यक्ष है, तो बने हैं ना वो, आज उस पद पे पहुंचे। आप किसी और, अब रेवंत रेड्डी को देख लीजिए, हालांकि मूल वो एबीवीपी से थे और टीडीपी से थे, लेकिन थे तो एक साधारण कार्यकर्ता, आज यंग जनरेशन शिफ्ट हो गया तेलंगाना के अंदर। अब डीके शिव कुमार जी को देख लीजिए, वो भी किसी परिवार से नहीं आते, वे भी आगे चलकर पहुंचे। अशोक गहलोत जी भी एक साधारण कार्यकर्ता थे उन जमाने में, कमलनाथ जी एक साधारण कार्यकर्ता थे। ये नहीं कि सिर्फ भाजपा में होता, ये जो एक हमने एक नैरेटिव बनाया सिर्फ भाजपा में होता, ये गलत चीज है, सिर्फ मोदी जी करते, ये कांग्रेस में होता था। मैंने अशोक गहलोत जी, कमलनाथ जी का वर्तमान बातें में उस पर पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। तो आपकी दूसरी बात से एक एक दस सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा, और हम शुक्रगुजार आप मुझे दिए। कांग्रेस को ये सोचना होगा, मैं बहुत जेन्युइनली कह रहा हूं, एक सेकंड डॉक्टर अजयलो, होल्ड ऑन डॉक्टर अजयलो, 10 सेकंड अगर मुझे दे दे, सिर्फ 10 सेकंड फिर आप बोलिए। मैं आपकी दूसरी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। अगर कांग्रेस ये सोचती कि हम जिन नेताओं के आप नाम लेते हैं उनसे हम मोदी जी को हराएंगे, तो ये कांग्रेस जरूर गलत काम करी, उसको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आज भी 40% लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उन्होंने भरोसा जताया कांग्रेस के अंदर, उनके मुद्दे उठाने जरूरी है। जी, देश का मुद्दा ये नहीं है कि पार्लियामेंट के ऊपर जो शेर है वो घुर्रा रहा है या वो मुस्कुरा रहा है, देश का मुद्दा ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी ड्रेसिंग रूम में गए या नहीं गए, तो सही मुद्दों को उठाना ये कांग्रेस का कांग्रेस का जो हिंदी पट्टी से सफाया हुआ है, और बीजेपी ने जो उसके बाद तीनों स्टेट्स के अंदर जो मुख्यमंत्री दिए हैं, डिप्टी सीएम दिए, और देखिए एक ही स्ट्रेटेजी, सीएम विधायक होगा, डिप्टी सीएम विधायक होगा, और दोनों तीनों जगह एक ही रणनीति को फॉलो किया गया है। डॉक्टर अजयलोक रिस्पॉन्स, क्या आपको लगता है कि ये 2024 की भी तैयारी करी गई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह और बीजेपी नेचुरल है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की छाप है? अमित शाह, आपकी एक बात पे मैं थोड़ा सा असहमत हूं, जो आपने कहा कि कांग्रेस के लिए कन्हैया कुमार मजबूरी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी मजबूरी है। मुझे लगता है कि यहां पे सोच में अंतर है। आप याद कीजिए कि जब लालकृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का युग था तो कितने नए लेवल ऑफ लीडरशिप आई थी। प्रमोद महाजन आए थे, अरुण जेटली आए, सुषमा स्वराज आए, शिवराज सिंह चौहान आए, इन सबको नरेंद्र मोदी खुद आए, उनको 2002 में आडवाणी जी और अटल जी ने गुजरात भेजा था, तो एक नई जनरेशन ऑफ लीडरशिप प्रोड्यूस की। मोदी जी जब से पावर में आए हैं, आप देखिए कितने नए जनरेशन ऑफ लीडरशिप आ चुकी है। देवेंद्र फडणवीस हो गए, खट्टर साहब हो गए, झारखंड में आपको हमारे रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, बिहार में दो दो उप मुख्यमंत्री बने, एक नई जनरेशन ऑफ लीडरशिप को प्रमोट करने का है। नरेंद्र मोदी अपने रहते रहते, उनका विजन ये है कि वो अपने रहते रहते 20 नए नरेंद्र मोदी और इस देश को दे देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का विजन है कि हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले जिस व्यक्ति में भी गुण मिलेगा, जी, जी, ये पार्टी उसको प्रमोट करती है। वी सर्च फॉर टैलेंट, वी डोंट सर्च फॉर कि कौन हमारी जी हुजूरी या गुलामी कर रहा है। वहां दिक्कत ये है, एक परिवार की वफादारी के बदले में आपको जितना इनाम मिल सकता है वो कांग्रेस पार्टी और बाकी इंडिया लाइन मिल सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं, लेकिन सुनील यादव ऐसा लगता था बपौती है इस देश में दो पॉलिटिकल परिवारों की, एक मुलायम सिंह यादव एंड फैमिली, एक लालू यादव एंड फैमिली। मुलायम सिंह यादव इज नो मोर, हिज सन इज रनिंग हिज पार्टी, दैट इज वो है अखिलेश यादव। क्या आपको लगता है सुनील यादव, मोहन यादव की एंट्री के बाद पूरी हिंदी पट्टी में यादव सीएम अगर किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, परिवार से अलग, और आज की तारीख के अंदर अगर एक बार यादव सीएम है होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का होगा। बताइए, इसका इंपैक्ट तो उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है, बिहार की जनता भी देख रही है, इंपैक्ट तो पड़ेगा ना इन सब चीजों का। देखिए अभी सी, मैं सबसे पहले तो तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं भाजपा द्वारा,
उनको बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि तीनों राज्यों में जनता का आशीर्वाद, जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला और भाजपा ने अपने संगठन से तय किया कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा। अब जहां तक सवाल आपने मध्य प्रदेश का किया है, तो मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौड़ जी पहले भी मुख्यमंत्री हो लिए, वो भी यादव समाज से थे, तो क्या प्रभाव पड़ गया यूपी में, क्या पड़ गया बिहार में, क्या पड़ गया पिछड़ों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। बीजेपी है जो महामहिम राष्ट्रपति की जाति बताती है, बीजेपी है जो गवर्नर की जाति बताती है, बीजेपी है जो मुख्यमंत्रियों की जाति बताती है, बीजेपी है जो मोदी जी अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों की फोटो हर शहर में बड़ी बड़ी लगा करके बताते हैं ये इस जाति के, इस जाति के, इस जाति के हैं। लेकिन जब जाति जनगणना की बात आती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो दो ही जाति जानते हैं, गरीब और अमीर, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, क्योंकि वो जानते हैं अगर जाति जनगणना हो गई तो फिर जो समाजवादी आंदोलन के निकले हुए लोग नारा लगाते हैं जी जी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो आपको देनी पड़ेगी। अगर हम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, अभी शपथ होगी, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं ये, अमित जी मैं आपके कार्यक्रम में पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपनी पहली कैबिनेट में जाति जनगणना कराने की बात करेंगे? क्या मध्य प्रदेश में पिछड़ों को आरक्षण उतना नहीं है जी, उसको बढ़ाने जी, की बात करेंगे? दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण देने की बात करेंगे? नहीं कर पाएंगे वो, केवल आपने बोला ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बीजेपी का एजेंडा भी नहीं था। इस एजेंडे को कांग्रेस लेके गई थी जनता के बीच पे, जो और राहुल गांधी ने बकायदा अनाउंस की थी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन पीपल ऑफ दीज थ्री स्टेट्स हैव रिजेक्टेड इट इमेंसली, यानी इन तीनों राज्यों की जनता ने जातिवादी राजनीति को नकार दिया है और भविष्य के लिए भी सचेत किया है कि जो करेगा उसको पॉलिटिकली नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैसेज यही है इस मैंडेट का। मैं आऊंगा वारिस प्रधान के पास भी, वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, अ शार्प कमेंट ऑन दिस। बीजेपी जातिवादी पार्टी, पहली बात कि इन्होंने एक बात, इन्होंने पीएम को मिसकोट किया कि पीएम ने कहा कि एक जाति अमीर है एक जाति गरीब है। पीएम ने यह नहीं कहा, पीएम ने कहा मेरे लिए चार जाति है, चार, पहली गरीब, दूसरा युवा, तीसरा किसान, ये है पीएम की जाति, गरीब और अमीर नहीं है। दूसरी बात, समाजवादी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन मत कहिए आप लोग, शोभा नहीं देता है। अब समाजवाद जेपी के साथ खत्म हो गया 1978 में, और 85 से जो आया वो परिवारवाद आंदोलन, परिवारवाद आंदोलन, परिवारवाद आंदोलन, आज भी उसी परिवारवाद को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है हर जगह। तो समाजवादी आंदोलन कहीं नहीं है, ये प्योर अप्योर परिवारवादी आंदोलन है, जहां गरीबों की बात करने वालों के यहाँ 350 करोड़ से ऊपर की नकदी मिल जाती है, जो दिन भर राहुल गांधी नकद नकद करते रहते हैं, ये समाजवादी पार्टी बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव लंबोर्गिनी से चलते हैं, उनके भाई साहब कैसे लखनऊ में किस गाड़िया से चलते हैं, ये है समाजवादी आंदोलन। अरे समाजवादी कहते कहते कब परिवारवादी आप लोग हो गए 1985 के बाद से, ये किसी को नहीं पता। अब तो बहुजन समाज पार्टी भी परिवारवादी आंदोलन का हिस्सा हो गई, अब तो कोई बचा ही नहीं। तो इसलिए समाजवादी आंदोलन कहके कृपया करके लोहिया जी जयप्रकाश को मजाक मत उड़ाइए। सुनील यादव रिप्लाई, सुनील यादव रिप्लाई देन वारिस प्रधान। सुनील यादव, प्रॉब्लम ये हुई जो मैंने आज का मूल सवाल उठाया कि बीजेपी टैलेंट देख रही है और आप विपक्ष जो है वो परिवारवाद और कमजोर परफॉर्मेंस को टैलेंट समझ रहा है। बीजेपी टैलेंट देख रही है, बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को 16 साल के मुख्यमंत्री को हटा रही है। आप देखिए बीजेपी कर क्या रही है, बीजेपी पॉलिटिक्स में एक नया नैरेटिव गढ़ने का प्रयास तो कर रही है कम से कम। अमित जी, मैं एक अनुरोध करूंगा आपसे, आपने कहा कि टैलेंट देख के मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिलहाल बीजेपी किसी पत्रकार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही। एक दूसरी बात, वो जो बीजेपी के सीएम रहते पीएम का ख्वाब देख रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो घर बिठा रहा है। शिवराज सिंह चौहान पीएम का ख्वाब देख रहे थे, वसुंधरा जी पीएम का ख्वाब देख रही थी। हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पीएम का ख्वाब न देखें। एक और ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री चुना गया है, लोकतंत्र से मुख्यमंत्री इनके तीनों नहीं चुने गए,
पर्ची तंत्र से चुने गए हैं, ये किसको बता रहे हैं परिवारवाद? अमित शाह जी के बेटे क्या हैं? तो अमित शाह के बेटे का जब पॉलिटिक्स में है, बीसीसीआई में है वो, आपके यहाँ, अरे सुन लीजिए, मैं तो सुन ही रहा हूँ आपको, सुन लीजिए, यही तो दिक्कत है कि बीजेपी का प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाता, उससे पहले आप दे रहे हैं। मैंने कहा कि अभी बीजेपी किसी पत्रकार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही, कहीं नहीं बनाने जा रही, तो आप निष्पक्ष होकर के कम से कम, अरे मैं तो निष्पक्ष होकर ही बात कर रहा हूँ, निष्पक्षता का मैं क्या, आप मुझे बताइए, मैं निष्पक्षता का क्या करूँ जब देश की जनता मैंडेट दे रही है और मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूँ तो आप नाराज हो रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि बीजेपी टैलेंट को मौका दे रही है, मैं उसी में आ रहा हूँ, विपक्ष परिवारवाद को मौका दे रहा है, फर्क तो यही है ना। हमारी बात नहीं सुन रहे भाई, हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए जी। आपने कहा कि जाति जनगणना का मुद्दा नहीं चलेगा, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं जाति जनगणना की बात कांग्रेस भी खिलाफ थी, आज आ गई है ना कांग्रेस, अगले 5 साल तब बीतेंगे जब भारतीय जनता पार्टी भी गली चौराहे पर चिल्ला चिल्ला के कह रही होगी कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। जो जाति जनगणना के खिलाफ जाएगा, जो पिछड़े दलित आदिवासी के खिलाफ जाएगा, मैं वारिस पठान और सतीश के सिंह का मुझे रुक करना पड़ेगा। ओके वारिस पठान, ये तीनों राज्यों का मैंडेट क्या कह रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेट्स बी वेरी फ्रैंक टुडे, स्पष्ट रूप से देखिए सर, पब्लिक जनता जनार्दन ने, जनता ने मैंडेट दिया है और भाजपा को 3 राज्य के अंदर कामयाबी मिली है और जो भी चीफ मिनिस्टर बने उनको मैं मुबारकबादी पेश करता हूं। मगर रमेश भाई, 3 तारीख के दिन रिजल्ट घोषित हुए, आज 12 तारीख हो गई, 8 दिन के बाद इनको एक सीएम के चेहरे मिले हैं 3। अब वो ऐसा लग रहा था ना कि चंदा को ढूंढने से भी तारे निकल पड़े, अब ये तारे मिले हैं। देखिए इनको अब भजनलाल शर्मा जो है ब्राह्मण निकले, जो विश्व सहाय साहब है वो आदिवासी ट्राइबल है, अब मोहन यादव जी है वो एमपी के जो बने ओबीसी कैटेगरी से रखते हैं। अभी आपने कहा कि बीजेपी ने टैलेंट देके बनाया है, टैलेंट देखते हुए सबको अपॉइंट किया है, तो मोहन यादव जी का टैलेंट तो आपको हमको पूरे देश को मालूम है, आरएसएस के कट्टरवादी है, कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा है वो आरएसएस का, यही तो सब लोग कर से बोल रहे हैं। अब बात नंबर 2 ये है कि मोदी जी बात हमेशा करते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, नारी सम्मान की बात की जाती है, नारियों का सम्मान होना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एक भी नारी आपको नहीं मिली सीएम के लिए। आपने शिवराज सिंह चौहान को इस्तेमाल किया, बाद में टाटा बाय बाय कर दिया, वसुंधरा राजे जी को वहां पे आपने इस्तेमाल किया, बाद में आज वो भी टाटा बाय बाय हो गए, बेचारे एयरपोर्ट पे लेने गए थे राजनाथ सिंह को, मैं देखा फोटो, लेकिन बाद में उनको भी खत्म। तो अब बीजेपी की जो सीनियर लीडरशिप है ये भी इस बात को गौर से देखेगी कि यहां पर हो ये रहा है कि पहले काम लो उसके बाद सलाम कर दो। अब बात नंबर 3, तेलंगाना का भी बात करना चाहिए। अमीश भाई, आपके चैनल के ऊपर अजय आलोक बैठे, बीजेपी के प्रवक्ता है, वहां पर कांग्रेस के समर्थक है वो जो एनालिस्ट अपने आपको बता रहे तहसीन भाई, मैं दोनों से एक सवाल करूंगा, आप लोग दोनों बैठ के आज एक डिसाइड कर लो, एक रिसोर्ट में चले जाओ कहीं सबको लेकर, डिसाइड करो कि एमआईएम किसकी बेटी में, क्या बीजेपी की है या कांग्रेस की है। अब हमको अकबर ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया तेलंगाना के अंदर, कौन बनाता है प्रोटेम स्पीकर पता है आपको? गवर्नर। क्यों बनाते हैं पता है आपको? क्योंकि वो 6ठी मर्तबा के एमएलए बने, सीनियर मोस्ट एमएलए, मैक्सिमम वोटों के साथ वो जीते हुए, उनको प्रोटेम बना दिया, तो कांग्रेस ने बोला देखा बीजेपी के थे गवर्नर उन्होंने बना दिया, बीजेपी ने कहा देखा कांग्रेस ने अकबर ओवैसी को बना दिया, ये बीजेपी ये बीटी में। अरे तो पहले डिसाइड कर लो सर, बीसी टीम पर आऊंगा, लेकिन 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 जो 8 एमएलए, लेकिन हिंदुत्ववादी, 10 सेकंड में बात कंप्लीट, आपने 10 सेकंड में बात कंप्लीट होगी, 10 सेकंड में बात कंप्लीट होगा, कंप्लीट कंप्लीट टॉपिक है, चेंज नहीं कर सकता, यस प्लीज 10 सेकंड। बीजेपी के 8 एमएलए हैं वहां पे, उन्होंने संविधान का कत्ल कर दिया, संवैधानिक बात कर दी, कहा कि हम स्पीकर के हाथ से शपथ भी नहीं लेंगे। आप सोचिए, संविधान को नहीं मानते और आप बोलो टैलेंट की बात हो रही है यहां पर, किस तरह का टैलेंट है? वो जो गवर्नर है वो तो बीजेपी की थी महिला, उन्होंने तो गवर्नर ने अपॉइंट किया, उसको नहीं मानते। मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस वाले आगे जी जी, लेकिन मैं ब्रॉडर चर्चा पे जा रहा हूं। सतीश जी, सतीश के सिंह बड़े वेटरन जर्नलिस्ट हैं, बड़े अनुभवी हैं, और सतीश जी क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो जिस तरह से विपक्ष सोच रहा है, क्या बीजेपी उसी तरह से काम कर रही है या बीजेपी की रणनीति कुछ और है? देखिए विपक्ष जो सोकॉल INDIA अलायंस था उसके एक दूसरे के यहाँ डाका डालने पे ही लगे हुए थे जी। बीच में ऐसा हुआ कि लगा कि कुछ चुनौती पेश कर सकते हैं,
और उसका कुछ जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया जी, और एक दो जगहों पे तो उन्होंने मतलब लग रहा था हार रहे उसको जीत में तब्दील कर दिया। जिस व्यक्ति को डिवाइडर इन चीफ के नाम पर जो है उनको क्रिटिसाइज किया गया, वो आज एग्रीगेटर इन चीफ हो रहे हैं कि सारी जातियों का भी, और हो सकता है बारिश पठान की जो मुस्लिम समुदाय की पार्टी है वो उसका भी कुछ वोट इनको इस बार मिल जाए। तो मुझे तो ये लगता है कि विपक्ष की जो राजनीति और रणनीति है वो बिल्कुल धाराशायी हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी अगले 24 के चुनाव में एक ऐतिहासिक जनादेश पे, जो कि कुछ भी हो सकता है, वो राजीव गांधी के पार भी हो सकता है, और हम लोग तो सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और क्या नाम इंदिरा गांधी वाला रिकॉर्ड तो टूटने ही जा रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि जाति की राजनीति भाजपा कर रही है, इसमें कहां से दो राय है, लेकिन उनके साथ तो जाति की भी है, उनके साथ धर्म की भी है, उनके साथ इकोनॉमी की भी है, उनके साथ रेबड़ी की भी है, उनके साथ लाभार्थी की भी है, तो आप काहे के लिए पॉलिटिक्स और हिंदुत्ववादी कोई हिंदुत्व क्योंकि बात हुई वारिस पठान ने एक बात बोली भी, सुनिए ये जो विपक्ष वाले थे वो सोच रहे थे कि 80% विपक्ष में जो ओबीसी एससी एसटी वगैरह है, तो जैसे मुख्यमंत्रियों के चुनाव हुआ देख लीजिए, तो अब इनके पास डबल 80-20 हो गया जी, ये 80 अब ये जाति वाले भी और 80 वो धर्म वाले भी जी, तो ये कहीं ठहर नहीं रहे, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं बच रहा है। दरअसल जब INDIA के साल भर में 3 मीटिंग हो और देश का प्रधानमंत्री एक दिन सुबह सुबह रोज जहाज लेके उड़ जाए और उसी दिन वो 5 मीटिंग कर दे, कहाँ ठहरेंगे, कौन सी बात कर रहे हैं ये लोग, ये पूछिए ना उनसे, वो क्या है जो सुनील यादव जी है ना? जी सुनील यादव, उनसे पूछिए क्या वो कभी ब्राह्मण को चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी मुझे भी कुछ कहना है प्लीज, क्या लालू यादव बनाएंगे समाजवादी अपने आरजेडी से किसी को ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो यहाँ ब्राह्मण भी है, एसटी भी, एससी भी है, ओबीसी भी है, सब है, और जब मौका मिलेगा अभी मंदिर का आंदोलन होगा, अभी चलने वाला है कुछ ही दिन में चालू होगा। रणनीति में देखिए एक चीज और, रणनीति में ये विपक्ष वाले एक दूसरे को काटने में लगे हैं, और इधर भाजपा जो है वेल वाइल्ड एकदम मशीन है, वो रणनीति से भी, कर्मठता से भी, एक्टिविटी से भी, चुनाव से भी, और हर तरह से इनको एकदम समाप्त करने आपको लगता है। ओके ओके, सुनील यादव से सवाल पूछा मैं, ब्रेक के बाद आऊंगा सुनील यादव आपके पास, और आप इसका जब देना, तहसीन भी कुछ कहना चाहते हैं, वारिस भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं एक अंतराल ले रहा हूं, लेकिन बड़ी खबरें तो बहुत सारी है, लेकिन राजस्थान से बड़ी खबर क्या है ब्रेक के बाद आपको बताता हूं। आर पार में और मोटरोला फोन से देख लेते हैं ट्वीट, और आइए देखते हैं ट्वीट मोटरोला फोन से। सिद्धार्थ कह रहे हैं, सिद्धार्थ का कहना है कि बीजेपी जो है वो एक कार्यकर्ता को भी सीएम बना सकती है और किसी दूसरे दल में ऐसा नहीं है। ये ट्वीट आपके सामने है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। मोटरोला फोन से ये ट्वीट देखा मैंने। का काम भी तेजी से चल रहा है। 13 साल बाद तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा सिक्किम पहुंचे। राज्य के कई मठों के बौद्ध भिक्षुओं ने पारंपरिक बौद्ध नृत्य और प्रार्थना शेरबंग के साथ उनका भव्य स्वागत किया। अगरतला में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को आधिकारिक तौर पर त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। द्वारकाधीश मंदिर में पूजे गए भगवान कृष्ण और भगवान राम के नाम वाले झंडे अयोध्या के राम मंदिर में जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर पर 13 गज का झंडा फहराया जाएगा। सवाई माधोपुर के अमेश्वर रोड पर बाघिन सुल्ताना अपने शावकों के साथ चहलकदमी करते हुए दिखाई दी, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने मॉनिटरिंग शुरू की। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में ट्रेन रोके जाने पर लोगों ने किया प्रदर्शन। एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतरने की वजह से कुछ ट्रेनों को रोका गया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठंड की वजह से बड़ी लोगों की मुश्किलें। शीतलहर की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। उत्तराखंड के जोशीमठ में ठंड की वजह से टिम्बर सैंड गुफा में बाबा बर्फानी आकार लेने लगे। इस नजारे को देखने के लिए कई पर्यटक वहां पहुंचे। जयपुर में आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सुबह 11 बजे तक सभी विधायकों को जयपुर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बीजेपी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी सीएम के फैसले में चौंका सकती है। राजस्थान में सामान्य वर्ग से किसी विधायक को सीएम बनाया जा सकता है।
राजस्थान में बीजेपी के सीएम पद के नाम पर संशय बरकरार है। इस बीच बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि एमपी छत्तीसगढ़ की तरह ही जमीनी कार्यकर्ता राजस्थान का सीएम बनेगा। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल के लाल परेड मैदान में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोमवार को मोहन यादव ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह में कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मोहन यादव तलवारबाजी और लठबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री ने लेख लिखा। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में आर्टिकल 370 को कलंक बताया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत की संप्रभुता अखंडता को बरकरार रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में कहा कि आर्टिकल 370 35 से बाधा की तरह थे। हमने नागरिकों की चिंताओं को समझा, जम्मू कश्मीर में विकास को प्राथमिकता दी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब निराशा की जगह विकास दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में आपसी विश्वास का निर्माण किया गया, अनुच्छेदों से लोगों के बीच दूरियां पैदा हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने से सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में 5 अहम बिल पेश करेंगे। पुदुचेरी विधानसभा में महिला आरक्षण समेत 4 अन्य बिल पेश होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बताया जम्मू कश्मीर की समस्या की जड़। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा पीओके भारत का हिस्सा है और उसकी एक एक इंच जमीन पर भारत का अधिकार है। धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड में मिले कैश पर अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। कहा कैश गिनते गिनते 5 दिन हो गए, लेकिन एक भी गठबंधन के नेता ने उस पर बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में 14 दिसंबर तक चलेगा सम्मेलन। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब तक 6 बार हेमंत सोरेन को समन्स जारी कर चुकी है ईडी। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर लगाया मारपीट की साजिश का आरोप। कहा राजधानी तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर घूम रहे हैं गुंडे। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने भी केरल में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्यपाल पर हमले को बताया सरकार की नाकामी। सुखदेव सिंह गोगामेडी मर्डर केस में पूजा सैनी नाम की महिला गिरफ्तार। पूजा और उसके पति पर हत्यारों की मदद का आरोप। पुलिस ने अब तक 2 शूटरों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूजा सैनी के पति ने हत्या से पहले शूटरों को 50,000 रुपए दिए थे। शूटर रोहित राठौड़ को नई मोटरसाइकिल खरीद कर दी। गोगामेडी हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2022 में पूजा सैनी ने महेंद्र से लव मैरिज की थी। पूजा एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही थी। गोगामेडी की तुर्की के जिगाना पिस्तौल से की गई थी हत्या। हरियाणा के करनाल में एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 देसी कट्टे भी बरामद किए गए हैं। पंजाब के फजलका में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। बॉर्डर के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने 3 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए। रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर इनकम टैक्स विभाग के 7वें दिन भी रेड जारी है। धीरज साहू के घर पर सीआईएसएफ के जवान मौजूद हैं। झारखंड के कैश कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को कांग्रेस ने कैंसर की तरह फैलाया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर मिलते ही उनके ससुराल यूपी के सुल्तानपुर में जश्न का माहौल है। मोहन यादव के परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भावी मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। राजस्थान में अशोक गहलोत की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें श्री राजपूत कर्णी सेना के आंदोलन से खतरा है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर उनकी सुरक्षा का आकलन किया गया। राजपूत कर्णी सेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने अशोक गहलोत की सुरक्षा पर खतरे से किया इनकार। कहा कर्णी सेना सामाजिक संगठन। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द लिखने पर सांसद संजय राउत पर एफआईआर दर्ज। यवतमाल के उमर खेड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर। सामना में 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लिखा था लेख। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धीरज साहू के घर से बरामद कैश को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सिलीगुड़ी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की यात्रा से पहले बीजेपी के झंडे निकालकर फेंके गए। सुप्रीम कोर्ट में आज से हेल्थ कैंप की हुई शुरुआत। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गीत तैयार। 22 जनवरी को रामलला की होगी प्राण प्रतिष्ठा। मुंबई में चलती बस में आग लगने से मचा हड़कंप। समय रहते बस में सवार सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया।
बिहार के कैमूर में एटीएम से चोरी का चौंकाने वाला एक वीडियो आया सामने। वीडियो में महज कुछ मिनटों में चोरों ने एटीएम से 17 लाख पार किए। यूपी के मैनपुरी में शराब पीकर मंदिर पहुंचे दूल्हे से दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बारात को बिना दुल्हन बेरंग लौटना पड़ा। बिहार के जहानाबाद में एक टीचर पर छात्रा को भगा ले जाने का आरोप है, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। केरल के कोझिकोड में एक घर में आग लग गई, सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली में एक बार फिर एक यूआई बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुका है, धुएं और धुंध और स्मॉग के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। चंडीगढ़ में बीजेपी सांसद किरण खेर पर एक बिजनेसमैन ने पैसों के लेन देन के चलते मारपीट का आरोप लगाया, बिजनेसमैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद की जान को बताया खतरा। दिल्ली के शादीपुर मेट्रो स्टेशन के ट्रैक से खुदकुशी की कोशिश कर रही लड़की को सीआईएसएफ ने बचाया, परिवार के मुताबिक लड़की ने डिप्रेशन में ऐसा किया। अयोध्या में बन रहे श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में है, राम मंदिर निर्माण के साथ एयरपोर्ट का काम भी तेजी से चल रहा है। 13 साल बाद तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा सिक्किम पहुंचे, राज्य के कई मठों के बौद्ध भिक्षुओं ने पारंपरिक बौद्ध नृत्य और प्रार्थना शेरबंग के साथ उनका भव्य स्वागत किया। अगरतला में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को आधिकारिक तौर पर त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। द्वारकाधीश मंदिर में पूजे गए भगवान कृष्ण और भगवान राम के नाम वाले झंडे अयोध्या के राम मंदिर में जाएंगे, अयोध्या राम मंदिर पर 13 गज का झंडा फहराया जाएगा। सवाईमाधोपुर के अमेश्वर रोड पर बाघिन सुल्ताना अपने शावकों के साथ चहलकदमी करते हुए दिखाई दी, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने मॉनिटरिंग शुरू की। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में ट्रेन रोके जाने पर लोगों ने किया प्रदर्शन, एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतरने की वजह से कुछ ट्रेनों को रोका गया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठंड की वजह से बड़ी लोगों की मुश्किलें, शीतलहर की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। उत्तराखंड के जोशीमठ में ठंड की वजह से टिम्बर सैंड गुफा में बाबा बर्फानी आकार लेने लगे, इस नजारे को देखने के लिए कई पर्यटक वहां पहुंचे। जयपुर में आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, सुबह 11 बजे तक सभी विधायकों को जयपुर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बीजेपी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी सीएम के फैसले में चौंका सकती है, राजस्थान में सामान्य वर्ग से किसी विधायक को सीएम बनाया जा सकता है। राजस्थान में बीजेपी के सीएम पद के नाम पर संशय बरकरार है, इस बीच बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि एमपी छत्तीसगढ़ की तरह ही जमीनी कार्यकर्ता राजस्थान का सीएम बनेगा। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल के लाल परेड मैदान में शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। सीएम का फेज 2024 की रेस, लेकिन बड़ी खबर इस समय आर पार की क्या है, इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी क्या है, आइए बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में कल होगा शपथ ग्रहण, छत्तीसगढ़ में भी कल ही होगा शपथ ग्रहण, सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण होगा और मोहन यादव लेंगे शपथ, और छत्तीसगढ़ में भी कल ही होगा शपथ ग्रहण, इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। 2 बजे शपथ ग्रहण होगा और मैं आपको बता दूं खड़ मास की शुरुआत हो रही है, इसलिए 16 दिसंबर से पहले सारे शपथ ग्रहण हो जाएंगे। 15 दिसंबर को राजस्थान का शपथ ग्रहण होना तय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे तीनों शपथ ग्रहण में। इस समय की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह तीनों शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। और भजनलाल लेंगे सीएम पद की शपथ जैसा राजस्थान में हम जानते हैं, लेकिन मैं विषय पर आता हूं, मेरे साथ आइए परिचय एक बार फिर करा देता हूं। तहसीन पूनावाला मेरे साथ है, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, वाइस पठान है, सुनील यादव है। सुनील यादव, सतीश जी ने जो सवाल पूछा एक वाजिब सवाल था, उस सवाल का जवाब 30 सेकंड। सुनील जी देखिए, जो सतीश जी ने बात की है, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मैं क्या पूछ सकता हूं आपके कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, आरएसएस का प्रमुख कभी ओबीसी होगा, आरएसएस का प्रमुख कभी एससी होगा, आरएसएस का प्रमुख कभी एसटी होगा, या आरएसएस की प्रमुख कभी कोई महिला होगी, क्या इसका जवाब है किसी के पास? या आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिसके नाम पर चुनाव लड़ रही, मोदी जी के नाम पर चुनाव है,
2024 मोदी जी के नाम पर लड़ने जा रहे हैं जी जी। क्या प्रधानमंत्री और किसी को बना देंगे या क्या कोई कह सकता है? हाँ, हम इस बात को स्वीकार करते हैं जब हम राजनीति कर रहे हैं समाजवादी विचारधारा के, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके चेहरे पर समाजवादी पार्टी का विधायक, समाजवादी पार्टी का एमपी, समाजवादी पार्टी का सभासद, समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत, जब उनके चेहरे पर चुनाव जीत करके आता है, जब विधायक माननीय अखिलेश जी के चेहरे पर चुनाव जीत करके आएंगे, तो स्वाभाविक है जब सरकार जी, बनेगी जी, तो माननीय अखिलेश वही तो मैंने वही तो सवाल मैंने उठाया। ओके ओके, सतीश कुछ सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश जी 30 सेकंड। देखिए, ये किसी भी सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है समाजवादी पार्टी वालों को कि ये जमीन खिसक गई इतनी कैसे और खिसकने वाली है। अरे भारतीय जनता पार्टी भी जाति समीकरण की, आपने ही कहा कि वो राजनीति कर रही है, तो आप एकदम भूल जाइए आगे आने वाले समय में आरएसएस में भी ओबीसी एससी और एसटी के प्रमुख होंगे, और जहां जहां आपने नहीं सोचा वहां वहां भी होंगे। मैं कोई बायस्ड आदमी नहीं हूं, ये अमीश जी जानते हैं। मैं जो न्यूट्रल चीज़ है, जो गति देख रहा हूँ, जो मतलब ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, उसके आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन इतना तय है कि आपके जो परिवारिक पार्टियों का जो एक आरोप आपके ऊपर लगता है, ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं करती है, लेकिन इतना तय है कि आरजेडी और जो समाजवादी पार्टी है, ये कभी बियॉन्ड यादव सोच ही नहीं पा सकते। बियॉन्ड यादव भी एक परिवार, मतलब या तो लालू यादव फैमिली या फिर पारिवारिक जी, 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 या फिर मुलायम सिंह यादव फैमिली, ये एक 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 एक, एक स्पष्ट बात होगी। और क्या वारिस वारिस पठान वांट्स टू मेक अ पॉइंट? वारिस पठान 30 सेकंड। वारिस पठान जी, देन तहसीन पूनावाला, आई कम टू यू तहसीन, तहसीन आई कम टू यू, वारिस पठान 30 सेकंड। अब अमीश भाई, मैंने सवाल किया था, मुझे तो जवाब मिला ही नहीं। मैंने तो सवाल ये था, क्या पूरे देश के अंदर भाजपा को तीनों राज्य में कोई हमारी महिला बहन मां नहीं मिली जिसको मुख्यमंत्री बना सकते? जबकि नारी सम्मान की बात करते हैं मोदी जी हर बार, उन्होंने नहीं बनाया। बात नंबर दो, मेरा ये सवाल था कि क्यों शिवराज चौहान या राजे जी को क्यों नहीं बनाया गया? क्या मोदी जी को यह डर है कि सीनियर मोस्ट नेताओं को बनाएगी अगर सीएम, तो कल को उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी? बात नंबर तीन, आपको लगता है मोदी जी की खतरे नहीं, आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है? टिकट नहीं देती तो सीएम का तो चांस ही नहीं आता। आपको उनकी हालत खराब हो जाएगी, मुझे लगा आप पॉलिटिकल आदमी हैं, प्रैक्टिकल बात ही बोलेंगे। आपको लगता है मोदी की कुर्सी खतरे में? बहुत, अरे प्रैक्टिकल बीजेपी में अमीश भाई हंस के बात मत टालो, आपको भी पता है क्यों नहीं बनाया। चलो क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया शिवराज चौहान को? चलो जवाब, चलिए मैं बीजेपी से जवाब दूंगा तो बायस जवाब हो जाएगा। लेकिन 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 अरे आप तो बीजेपी के हो ना, ये जो सोच रहा है, ये जो सोच रहा है, ये जो सोच रहा है कि मोदी की कुर्सी खतरे में है। एक सेकंड, मैं बीजेपी से जवाब दिलवा रहा हूं आपको, लेकिन सतीश 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 बनाया, मेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए, क्यों नहीं बनाया दोनों को, क्यों नहीं बनाया? ठीक है, मैं बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा, आप बीजेपी जवाब देगी, बीजेपी जवाब देगी आपको। आप भी आईएमआई में ओवैसी जी से बाहर कुछ नेता होता बनाएंगे मोदी की कुर्सी खतरे में? मोदी जी, अरे मैं कह रहा हूँ मोदी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जिससे कुर्सी को खतरा हो सकता है, मोदी को कोई खतरा नहीं होगा। मोदी की कुर्सी की तो बड़ी छोटी बात कर रहे हैं। वाह, पत्रकार हो आप भी बीजेपी में? अमीश भाई बीजेपी में, अजय आलू भी मेरे सवाल का जवाब चाहिए भाई मेरे को, क्यों नहीं बनाया? ओके ओके, डॉक्टर अजय आलू आप दो, क्यों नहीं बनाया? क्या वो इस काबिल नहीं थे? सतीश जी, अभी आप काबिल नहीं थे क्या? ये लोग काबिल नहीं थे बनने के? एक सेकंड, एक सवाल, 24 दिन में कितने सपोर्टर आपको मिले? एक सेकंड, जवाब लेते हैं। अरे भाई बीच में मत बोलिए, वाला छोड़ दीजिए हल्ला गुल्ला करना जी। 24 दिन में मैं घूमा हूँ करीब 250 लोगों से, 200-250 के लोगों के बीच, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के लिए ऐतिहासिक जनादेश आ रहा है। राहुल गांधी का कोई प्रशंसक मुझे नहीं मिला, या हो सकता हूं मैं बायस जो हमसे नहीं बात कर रहे हो, लेकिन ट्रेन से लेके, हवाई जहाज से लेके, गांव से लेके, तहसील से लेकर के, सड़क से लेकर के, मैं सब जगह की बात कर रहा हूं, शादी विवाह सब की एकदम एक तरफा, मोदी की कहे, हिंदुत्व की कहे, राम मंदिर की कहे, और जिसकी भी कहे, वो सब लहर भाजपा के पक्ष में है। बिहार में नीतीश जी का भी कोई प्रशंसक मुझे नहीं मिला, हाँ तेजस्वी यादव का जरूर मिला, और उत्तर प्रदेश में हालांकि योगी जी है वहां पे, लेकिन तमाम लोग आप जो भी कहे एकदम, मैं तो सही बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं उन बाकियों से।
एकदम एक अरे सच्चाई बोलूंगा क्यों नहीं बनाए, सवाल का जवाब दो। जी 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 डिबेट ओके 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 डॉक्टर डॉक्टर अजय लोग डॉक्टर अजय लोग जो वारिस पठान कह रहे हैं कि ओके वारिस पठान की बात का जवाब डॉक्टर अजय लोग जन तहसीन पूना नहीं बनाया क्या शिवराज सिंह चौहान काबिल नहीं थे वारिस पठान आज आप सुनिए अरे सुनिए वारिस भाई सुनिए अब वारिस भाई सुनिए ना क्यों इतना उतावले हो रहे हैं। आपने कहा किसी महिला को नहीं बनाया, महिला डिप्टी सीएम बनी है दिया पता कीजिए। आपने कहा मोहन यादव को इसलिए बनाया क्योंकि वो दिया कुमारी, मोहन यादव को इसलिए बनाया क्योंकि वो बिल्कुल पक्का आरएसएस से हैं। तो मोदी जी भी तो पक्का आरएसएस के हैं, वाजपेयी जी भी पक्का आरएसएस के थे, अडवाणी जी भी पक्का आरएसएस के हैं। हम आरएसएस के लोगों को नहीं बनाएंगे तो आपकी तरह आईएएस एक मिनट मैम आरएसएस एक मिनट सुनिए सुनिए पूरा जवाब सुनिए पूरा जवाब सुनिए ना हम आईएएस आईएएस को अरे बता रहे सुनिए तो सही आ रहे एक एक करके आ रहे ना। अच्छा सुनिए ना हम आरएसएस वालों को नहीं बनाएंगे तो क्या आईएएस आईएएस वालों को बनाएंगे आपकी तरह। और हमने स्पीकर का प्रोटेम स्पीकर का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि वैसे व्यक्ति से हम शपथ नहीं ले सकते हैं जो कहता हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो 80 करोड़ हिंदुओं को उनकी औकात बता देंगे, हम 20 करोड़ क्या कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से हम शपथ नहीं लेंगे क्योंकि आप जहरीले हो, लेकिन आपसे भी बड़ी जहरीली इस बार कांग्रेस निकल गई। तेलंगाना में तेलंगाना में आपका टिया पांचा बांध दिया अब डर इस बात का है आपको, यही हाल कांग्रेस हर राज्य में करेगी आप लोग का। मुसलमान भाग रहे हैं आपसे, ठीक है। तहसीलपुर तहसीलपुर तीन ऑब्जर्वेशन है। क्या कांग्रेस यूनिवर्सिटी लेवल की पॉलिटिक्स करने का प्रयास कर रही है? क्या कांग्रेस को लग रहा है कि जो मिसमैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स वो कर रही है स्टेट्स के अंदर या फिर अपनी पार्टी के अंदर वो वोटर पे नहीं दिखाई देता? तीसरा पॉइंट जो बीजेपी अब उठा रही है कि कांग्रेस को वोट तो नहीं पड़ रहे लेकिन नोट जरूर मिल रहे हैं कांग्रेस के पास से, यानी कांग्रेस के एक सांसद के पास से वोट नहीं मिल रहे हैं लेकिन नोट मिल रहे हैं। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस पे लग गया है। ये जो 400 करोड़ रुपए मिला है इसे सामान्य मत समझिए, बीजेपी इसको बुलाएगी। उत्तर दे दो, मैं समझ गया आपका सवाल, मैं उत्तर दे दूं, बहुत कम समय है अमित जी, उत्तर दे दूं, मैं समझ गया आपका सवाल। मैं तीसरे सवाल से शुरू करता हूँ, संक्षेप में दोनों सवालों का जवाब देते हैं। मुझे एक टिप्पणी करनी है, सबसे अधिक नोट अगर किसी के वहाँ से मिले हो, भाजपा के लोगों से मिले, उसको कभी भी हाईलाइट नहीं करते, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी उस पर ट्वीट नहीं किया है। और अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है जो जेल में गए करप्शन के लिए, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो जेल में गए करप्शन के लिए कॉन्विक्ट हुए, बाकी और किसी पार्टी के लोग कॉन्विक्ट नहीं हुए। तो सबसे पहले भाजपा पे मॉरल साइंस लेसन किसी को नहीं चाहिए। दूसरी बात, भाजपा में कौन मुख्यमंत्री बनता कौन नहीं बनता ये मेरा विषय नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि भाजपा हारे, तो भाजपा क्या करती उससे मुझे खुशी नहीं होती। लेकिन इस बात से मैं आपके बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि कांग्रेस या विपक्ष जीते तो उनको सही मुद्दों को उठाना पड़ेगा। देश के मुद्दे ये नहीं है कि पार्लियामेंट पे जो शेर है वो शेर मुस्कुरा रहा है या वो ग्राउल कर रहा है। देश का मुद्दा ये नहीं प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में गए या नहीं गए, जो देश के मुद्दे आज भी हिंदी आर्टलैंड जिसको आप कहते हो, मैं उसको कहता हूं जो हिंदी आर्टलैंड है, उधर 40% जो आबादी उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस का की जिम्मेदारी बनती है उनके लिए आवाज उठाए उनके लिए लड़े। तीसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, जो जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है जिस तरह के भाषण उन्होंने दिए, हिंदुओं का नरसिंगार करने का जो बात उन्होंने किया, ये व्यक्ति को किसी भी हालत में प्रोटेम स्पीकर नहीं बनना चाहिए। अगर ओवैसी साहब के जगह टी राजा सिंह जी भी होते जो प्रोटेम स्पीकर बनते, तब भी मैं मानता ये गलत फैसला है। और बात 6 टाइम एमएलए बनने की नहीं थी, तेलंगाना असेंबली का ये थर्ड टर्म है, थर्ड टाइम आपको देखना चाहिए, तो कई एमएलए थे। तो मैं इस बात से बिल्कुल मैं इस पर ऑब्जेक्शन लेता हूं कि ओवैसी साहब बने, ये गलत है, ये हमारे देश के लिए बना रहे हो, जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे उसके लिए गलत है, ठीक है। ये सवाल सतीश जी, विपक्ष क्या सबसे बड़ी गलत चीज कर रहा है? विपक्ष सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है?
विपक्ष के इरादे ठीक नहीं, एक दूसरे के यहाँ डकैती डाल रहे हैं, एक दूसरे के हत्यारे हैं, एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं। जब मन साफ नहीं तो कैसे, मनभेद ही है, दिल का भेद तो रहेगा ही, तो ये सब बेकार कृत्रिम चीजें कर रहा है, तो ये कुछ कर ही नहीं रहा। क्या लुटियंस दिल्ली के इर्द गिर्द की पॉलिटिक्स? मैं कह रहा हूँ लुटियंस जो उनकी नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी के बारे में कहना चाहते हूँ कि आप कह रहे थे यूनिवर्सिटी लेवल की, मुझे तो लगता है कॉलेज में, कॉलेज के भी भीतर एक लाइब्रेरी से बाहर ये निकल नहीं पा रहे हैं। मैं राहुल गांधी की तारीफ करता हूं जो 4000 किलोमीटर चले, लेकिन बाकी उनकी हालत तो देखो, वो 3-4 किलोमीटर से बाहर निकलते ही नहीं। दैट्स द पॉइंट, ये बड़ा पॉइंट है। लेकिन आर पार में अब बात होगी सत्य और तथ्य की, व्यूअर्स, और आज का ये सत्य और तथ्य जरूर देखिएगा आप। 4 साल 4 महीने और 6 दिन के बाद अनुच्छेद 370 पर झूठ, भ्रम और प्रोपेगेंडा की एक एक परत आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत ने खोल कर रख दी है व्यूअर्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीधे और सपाट शब्दों में कहा है कि 370 एक अस्थाई यानी टेम्परेरी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने की शक्ति भी थी। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास बाकी राज्यों से अलग कोई संप्रभुता नहीं है, जिस 370 के बारे में विपक्ष नेगेटिव नैरेटिव वाले गुब्बारे की हवा करने भरने की भरपूर कोशिश करता रहा, वो गुब्बारा आखिरकार फूट चुका है। और इसके बाद राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते, एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते, एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते? जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था, नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे एक महीना सदन में ना आता, मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर। वैसे मोदी सरकार के 370 हटाने के फैसले से काफी कुछ सीखा जा सकता है, खास तौर पर उनके लिए सीखने को काफी कुछ है जो राजनीति में लंबे वक्त से कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति टाइम पास का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, नहीं राजनीति में कामयाबी का कोई शॉर्टकट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विचारधारा पर खड़े रहने वाले नेता और पार्टियां पर देश की जनता ज्यादा भरोसा कर पाती है। बीजेपी का फंडा और एजेंडा आज से नहीं बल्कि अपने जन्म से पहले ही बहुत क्लियर था। बीजेपी ने हमेशा कहा था कि एक देश में दो विधान और दो प्रधान हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए जब भी वो सत्ता में आएंगे वो 370 को उखाड़ फेंकेंगे। या ये बातें बाकी सभी पार्टियों को चुनावी ट्रिक लगी, लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे विपक्ष को हैरान और परेशान करते हुए 370 को एक झटके में संविधान से बाहर निकालकर फेंक दिया। बीजेपी ने हमेशा से कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा, प्रभु राम की कृपा से बीजेपी दो सीटों से 2019 में 300 के पार चली गई और अब 22 जनवरी को रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। अब सोचिए जम्मू कश्मीर आज वो विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्या वैसी कामना पीओके के लोग सपने में भी कभी कर सकते हैं? नहीं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हालांकि इसमें उनकी गलती नहीं है, शायद उतनी नहीं है, क्योंकि वो तो इतिहास में उनके साथ हुई ठगी का परिणाम भुगत रहे हैं और गलती भुगत रहे हैं। वैसे जम्मू कश्मीर की पुश्तैनी पार्टियों तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और भी ज्यादा निराश और परेशान हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला से जब फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए। सोचिए, एक और पूर्व CM महबूबा मुफ्ती के मुताबिक आइडिया ऑफ इंडिया पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है, लेकिन ये लोग ये कभी नहीं बताएंगे कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर के असल हालात क्या हैं। ये मैं आज आपको बताऊंगा। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में केंद्र की 17 योजनाओं ने 100% लक्ष्य हासिल किया है। करीब 10 लाख लोगों को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन मिलनी शुरू हुई है। 227 जन औषधि केंद्र, 19 अमृत फार्मेसी खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में 2 महिला बटालियन बनाई गई हैं। 46,000 छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है। IIT जम्मू और IIM जम्मू शुरू किया गया है। जम्मू के एम्स में लोगों का इलाज शुरू हो चुका है। कश्मीर में एम्स का निर्माण जारी है। कश्मीर में G20 जैसा इंटरनेशनल समिट हुआ है। इस साल नवंबर महीने तक 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पहुंचे थे व्यूअर्स, और आज यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और
भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अमित शाह का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने देश की सदन में दिया है, मैं कहता हूं कि देश की हर नागरिक को अमित शाह को वो भाषण जरूर सुनना चाहिए जो उन्होंने राज्यसभा के पटल पर रखा है। शायद इससे बेहतरीन भाषण ना आने वाले दिनों में होगा, ना बीते सालों में हुआ है। हर एक प्रमाणिक चीज है उसमें, जरूर सुनिएगा।